हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू प्रैक्स आर्ट गैलरी। आई होप आप लोगों ने पार्ट वन इस पोर्ट्रेट ड्राइंग का एंजॉय किया एंड लर्न किया कि उससे कैसे हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो अभी पार्ट टू में मैंने यहाँ पे जो बताया है बेसिकली नेक एरिया को कैसे शेड करना है, वो जो लाइंस आती हैं नेक पे वो कैसे शेड करना है ये मैंने बताया है। इसके अलावा ज्वेलरीज को कैसे शेड करना है, कहाँ पर लाइट्स दे रही हैं, कहाँ पर थोड़ा डार्क रखना है, शेड रखना है, जैसे शेडो वगैरह रखना है, वो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। बेसिकली यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन तो नहीं किया, मैंने यहाँ पे एक्चुअली दिखाया है। इसके अलावा थोड़ा मैंने क्लोथ्स की भी शेडिंग की है। तो क्लोथ को शेड करने के लिए मेनली मैंने चारकोल पाउडर का यूज़ किया है क्योंकि ये थोड़ा डार्क था। आप अगर आपको ज्वेलरीज स्पेशली कैसे शेड करते हैं या कैसे उसको हम प्रॉपर रियल लुक देते हैं अगर वो देखना है तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिए, आपको काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक कर दीजिए और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि जो भी न्यू वीडियोस आए या इसका जो भी नेक्स्ट पार्ट आएगा उसके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें टाइमली।
होप आपने ये ड्राइंग कैसे मैंने ड्रा किया है ये पूरा देखा और इससे कुछ तो लर्न किया है। और अभी नेक्स्ट पार्ट जो आएगा उसमें मैं आपको हेयर ड्रा करना बताऊंगी। बट मीनवाइल अगर आपको हेयर ड्रा करना देखना है तो आप इस वीडियो को चेक कर सकते हैं जहाँ पे मैंने डिटेल हेयर ड्राइंग बताई है। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट पार्ट। टिल देन टेक केयर। बाय बाय।